अब एक क्वेश्चन देखिए, फाइंड ऑल जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल इफ टू ऑफ इट जीरोज आर रूट टू एंड निगेटिव रूट टू। यहाँ कहा है फाइंड ऑल जीरोज, इसका मतलब इस पॉलिनोमियल को ऐसे कितने जीरोज होंगे जो हमें निकालना है, और उसमें से भी टू जीरोज हमें दिए है, तो ऐसे और कितने जीरोज होंगे जो हमें निकालना है। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो यहाँ ये जो पॉलिनोमियल है इसकी सबसे पहले मुझे बताइए डिग्री कितनी है, तो डिग्री है 4। इसका मतलब इस पॉलिनोमियल को मैक्सिमम एटमोस्ट 4 जीरोज हो सकते हैं, उसमें से 2 जीरोज हमें पता है और 2 जीरोज निकालने हैं। तो जीरोज निकालने के लिए सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा उसका फैक्टर, फिर फैक्टर से हम बाकी जीरोज निकाल सकते हैं। तो इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले सिंस रूट टू एंड निगेटिव रूट टू दे आर जीरोज, ये हमें दिया है एग्जांपल में, किसके जीरोज, जीरोज ऑफ पी ऑफ एक्स। अगर ये जीरोज है तो एक्स माइनस रूट टू ये एक फैक्टर हो गया, जीरो से हम ऐसे फैक्टर निकालते हैं, और दूसरा फैक्टर क्या हुआ, एक्स माइनस माइनस रूट टू, तो ये क्या बन जाएगा, निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस रूट टू। तो हम इसको डायरेक्टली लिखेंगे, देयरफॉर एक्स माइनस रूट टू दिस इज फर्स्ट फैक्टर एंड एक्स प्लस रूट टू दिस आर टू फैक्टर्स ऑफ पी ऑफ एक्स। अगर ये दो फैक्टर्स ऐसे लिखेंगे आर फैक्टर्स ऑफ पी ऑफ एक्स, तो इस तरह से हम जीरो से सबसे पहले फैक्टर निकाले। अभी आगे अगर ये दो फैक्टर्स है तो एक्स माइनस रूट टू इंटू एक्स प्लस रूट टू, तो क्या ये दो फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन भी फैक्टर हो सकता है क्या, इसका मल्टीप्लिकेशन आया है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, आइडेंटिटी ये ए है ये बी है ये ए है ये बी है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो जाता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो ये हो जाता है एक्स स्क्वेयर माइनस टू। तो अभी ये दोनों तो फैक्टर है, तो क्या इसका मल्टीप्लिकेशन भी इस पी ऑफ एक्स का फैक्टर होगा। एक एग्जांपल लीजिए, 24 के टू फैक्टर लीजिए 2 और 6, अब ये दोनों इसके फैक्टर है, तो क्या ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 12 इसका फैक्टर नहीं होगा, होगा ना। तो उसी रूल से अगर ये दोनों फैक्टर है तो उसका मल्टीप्लिकेशन भी इज अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स, आपको ऐसे लिखना पड़ेगा इज फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। आई बात समझ में, अभी हम ये सब क्यों कर रहे हैं, अभी क्योंकि हमें जीरोज निकालने हैं ना, तो हमने ये फैक्टर क्यों निकाला, क्योंकि हम इस फैक्टर से एक्स स्क्वायर माइनस टू से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे तो मुझे और एक फैक्टर मिलेगा जो कोशेंट होगा, और फिर उस कोशेंट के फैक्टर्स निकाल के फिर जीरोज निकालेंगे, बड़ी लंबी प्रोसेस है। तो सबसे पहले वीडियो पॉज करके इतना लिख लेना। तो हम क्या करेंगे अभी नेक्स्ट स्टेप में, स्टेप नंबर 2, ये जो पॉलिनोमियल है जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है, यहाँ पर देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है पॉलिनोमियल का, मैंने आपको बताया था, एक बार फिर से इसे देखिए, यहाँ जो वेरिएबल है एक्स, तो उसका एक्सपोनेंट देखिए 4, 3, 2, 1 और ये 0, इसका मतलब ये ऑल दीज एक्सपोनेंट्स आर इन डिसेंडिंग ऑर्डर, दैट्स व्हाई दिस पॉलिनोमियल इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो सबसे पहले चेक करना है कि पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, और अगर मिसिंग टर्म है, आप जानते हैं मिसिंग टर्म क्या होती है, तो मिसिंग टर्म आपको भी लिख लेना है, तो यहाँ कोई भी मिसिंग टर्म नहीं है। तो इसका डिवीजन हम एक्स स्क्वायर माइनस टू से करेंगे, ये फैक्टर है, और जो क्वेश्चन आएगा वो दूसरा फैक्टर होगा। अभी एक इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम 9 क्लास में पढ़ चुके हैं, इस साल भी मैंने ऐसे एग्जांपल्स लिए हैं, फिर से बताती हूँ। अभी इसमें जो डिविडेंड है उसका फर्स्ट टर्म यानी हाईएस्ट पावर वाला टर्म है 2x to the power 4, इसको डिवाइड करना डिवाइजर के हाईएस्ट पावर से, तो आंसर आता है 2x square, तो आपको सबसे पहले लिखना है 2x square, हो गया। अभी इस 2x square से ये दोनों को भी मल्टीप्लाई करना है, दोनों को भी, और जो आंसर आएगा वो इसके नीचे लिखना है, लेकिन कैसे लिखना है, लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म, जैसे 2x square into x square होता है 2x to the power 4, तो हम यहाँ लिखेंगे
लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म हो गया। अभी 2x square into negative 2 बन जाता है negative 4x square। अभी इसको कहाँ रखेंगे, यहाँ बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये क्यूब की टर्म है, हमारी टर्म तो स्क्वायर की आई है, तो हम ये स्क्वायर की टर्म यहाँ नीचे लिखेंगे लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म। तो इसके नीचे क्या लिखेंगे, कुछ भी नहीं, छोड़ देना उसको। ओके, फिर क्या करेंगे, अभी इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करते हैं, आप जानते हैं जो सेकंड पॉलिनोमियल है उसके साइन हम चेंज करते हैं। यहाँ कोई भी साइन नहीं, इसका मतलब यहाँ साइन पॉजिटिव होगा, होगा ना पहले, तो वो हो जाएगा निगेटिव और ये पॉजिटिव साइन हो जाएगा, सॉरी निगेटिव साइन हो जाएगा पॉजिटिव। यहाँ तक ठीक है। जनरली फर्स्ट टर्म कैंसिल होती है, क्योंकि ये देखो 2x to the power 4, एक पॉजिटिव एक निगेटिव कैंसिल, और ये जो है ये, तो ये बन जाती है निगेटिव 3 plus 4। ये जो सर्कल में जो साइन है ना, इसको भूल जाना, तो निगेटिव 3 plus 4 बन जाता है 1x square। आप 1 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, ओके। और बाकी जो ऊपर के टर्म्स है जिसका हमने अब तक यूज़ नहीं किया, उसको एज इट इज़ नीचे लिखना है। तो कौन से टर्म का हमने यूज़ नहीं किया है, तो सबसे पहले ये टर्म, इसको भी हमने यूज़ नहीं किया है, तो ये टर्म हम ऐसे ही नीचे लिखेंगे निगेटिव 3x cube, और ये पॉजिटिव, क्योंकि +4 - 3 + 1 होता है। ध्यान से लिखना, इसको भूलना मत, हम इसको भूल जाते हैं। तो ये टर्म ऐसे ही लिखी और इसका आंसर आया है +1x square। अब 1 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, लिखेंगे तो भी चलेगा। और बाकी टर्म्स ये है, उनको भी एज इट इज़ नीचे लिखना है। यहाँ तक तो ठीक है, ओके। फिर से सेम प्रोसेस, कैसी प्रोसेस, फिर से ये फर्स्ट टर्म निगेटिव 3x cube डिवाइडेड बाय ये फर्स्ट टर्म x square, तो इसका आंसर आता है निगेटिव 3x। तो ये साइन के साथ लिखना है निगेटिव 3x। फिर इस निगेटिव 3x से दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो पहला क्या आता है मल्टीप्लिकेशन, निगेटिव 3x into x square आता है निगेटिव 3x cube। ये आपको भी ओरली आना चाहिए, आप 10th class में हो। अभी निगेटिव 3x into negative 2 होता है पॉजिटिव 6x, तो कहाँ रखेंगे उसको, 6x आया है पॉजिटिव 6x, तो x के नीचे x, पॉजिटिव 6x, तो ये टर्म ऐसे रहने देना, ओके। फिर साइन चेंज, ये हो गया पॉजिटिव और ये हो गया है निगेटिव, तो ये ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाती है। अभी यहाँ देखिए पॉजिटिव 6x निगेटिव 6x, ये भी कैंसिल हो जाती है। आप नीचे 0 लिखेंगे तो भी चलेगा, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। अभी बाकी जो टर्म्स है जिसका हमने अब तक यूज़ नहीं किया, उनको एज इट इज़ नीचे लिखना है। तो यहाँ है पॉजिटिव x square, इसको नहीं भूलना है, और यहाँ आई है निगेटिव 2, ठीक है। अभी थोड़ा सा मैंने इसके नीचे नहीं लिखा है, थोड़ा इधर लिखा है, इसका आंसर एक्चुअली 0 आया है, ओके। और यहाँ पे ये निगेटिव 2 है, तो यहाँ तक तो ठीक है। फिर कंटिन्यू करना है प्रोसेस। एक्चुअली पता है कंटिन्यू करना है कि नहीं, ये डिपेंड करता है, ये जो है ना बाकी रिमाइंडर, इसका जो डिग्री है ये डिवाइजर के डिग्री से कम होना चाहिए। तो इसकी डिग्री 2 है, डिवाइजर की डिग्री भी 2 है, इक्वल हो रहा है ना, इसलिए डिवीजन की प्रोसेस कंटिन्यू होगी। तो फिर से ये हाईएस्ट टर्म x square डिवाइडेड बाय ये हाईएस्ट टर्म x square, इसका डिवीजन आया है पॉजिटिव 1, सो आपको लिखना है +1। तो 1 into, इसको मल्टीप्लाई करो, 1 into x square, 1 into -2 हो जाएगा -2। फिर साइन चेंज, ये पॉजिटिव था वो हो गया निगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव, तो इस तरह से नीचे आया है 0। इसका मतलब क्या है कि ये उसका फैक्टर तो है ही, तो ये हो जाएगा दूसरा फैक्टर, ओके। अभी भी प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हुआ है, और आगे है स्टेप नंबर 3, तो वीडियो पॉज करके इसको नोट करो। फिर आगे हम क्या करेंगे, 2x square - 3x + 1, ये हमारा क्वेश्चन आया है। हाँ, अभी इस क्वेश्चन से हम जीरोस कैसे निकालेंगे, ये ना क्वेश्चन, क्वेश्चन है 2x square - 3x + 1। अभी ये भी फैक्टर है, हाँ ये क्वेश्चन है, और ये उसका दूसरा फैक्टर है। अभी इससे हम बाकी जीरोस कैसे निकालेंगे, तो इसके पहले फैक्टर्स निकालेंगे बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म मेथड। तो इसके मिडल टर्म मेथड से फैक्टर्स हो जाएंगे 2x square - 2x - 1x + 1। आपको आती है ना स्प्लिटिंग मिडल टर्म मेथड,
तो ये हो जाएगा पहला ग्रुप, ये दूसरा ग्रुप, इसमें से 2x कॉमन निकलता है तो x माइनस वन रह गया है, तो x माइनस वन आने के लिए यहाँ पे निगेटिव साइन कॉमन निकालना पड़ेगा। तो इस तरह से ये हो गया फर्स्ट ब्रैकेट, दूसरा ब्रैकेट हो गया 2x माइनस वन। तो ये हो गए फैक्टर्स। अभी इस फैक्टर से ज़ीरो निकालेंगे, और आप जानते हैं ज़ीरोज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इस पॉलिनोमियल को इक्वल टू हम ज़ीरो लिखते हैं। तो इस तरह से x माइनस वन और 2x माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, बाद में x माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो और 2x माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू वन और x इज 2x इज इक्वल टू वन, सो x इज इक्वल टू वन बाई टू। तो इस तरह से वन एंड वन बाई टू आर देयर अदर टू ज़ीरोज। तो देखिए ये है क्या, सबसे पहले ज़ीरो से फैक्टर निकालना, फिर फैक्टर से फिर से ज़ीरोज निकालना। आप जानते हैं ना मैंने यहाँ पे इक्वल टू ज़ीरो क्यों लिखा है, क्योंकि हमें इस फैक्टर्स को फैक्टराइज करने के बाद और दो फैक्टर्स मिलते हैं, फिर हमें ज़ीरोज निकालने हैं, और ज़ीरोज निकालने की यही तो मेथड है, हम इक्वल टू ज़ीरो लिखते हैं बाद में उसको सॉल्व करते हैं। तो इस तरह से वन एंड वन बाई टू दीज आर अदर फैक्टर्स, फिर आपको लिखना है एंड देयर फोर वन वन अपॉन टू रूट टू एंड निगेटिव रूट टू आर ऑल ज़ीरोज ऑफ पी ऑफ एक्स। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम है। ओके ठीक है।